हाँ जी दोस्तों, विश्वकर्मा दड़बा यूट्यूब चैनल में तुहाडा स्वागत है। दोस्तों अज असीं पहुंचे हुए हाँ पनेसर एग्रोटैक बराला, जो कि हंडाया बठिंडा चौंक ते फर्म पैंदी है जी पनेसर एग्रोटैक। तो अज तुहानूं दिखाऊंगा जी मैं पनेसर SC9500 हारवेस्टर कंबाइन। तो वीडियो बहुत वधिया होने वाली है। तो जिहड़े वीर चैनल ते नवें आए ने चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ, क्योंकि दोस्तों हर एक नवीं मशीन जानकारी सब तो पहला विश्वकर्मा दड़बा यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो स्टार्टिंग गल कहना चाहूंगा मैं दोस्तों फीडर की, जिहड़ा तुसीं फीडर देख रहे हो ये फीडर ते देखो पत्ती लगी हुई आ, पत्तियां लाई गई भी किसी तरह जी फीडर की घसाई आ वह ना हो, ठीक है। तो बाकी जी चैन लगी हुई है ये पूरी वधिया चैन लाई गई आ फीडर के जिन्ना भी असैम्बली आ सारी वधिया पत्ती लाई गई आ, मोटी पत्ती लगी हुई आ। यदि घसाई है जी भी ना मात्र वागू है, तो यह पेंट किया हुआ पत्ती का पेंट देखो कि वधिया ये पेंट किया गया। जिस जिन्नी भी पेंट की गल करिए PU2K पेंट किया हुआ है जी, ठीक है। बाकी जो फीडर है मुरो कटर की फिटिंग है जी अपने आप एक बंदा फिट कर सकता, मैं थोड़ा बिचो दिखा चाहना। तो ये मास्टर सिलेंडर लगे हुए ने जी, तुम देख सकते हो पूरा वधिया न्यू तकनीक का मास्टर सिलेंडर ये चलाया गया है। तो बाकी हॉर्न हो गए डबल, नीचे हॉर्न लगे हुए ने, तो उपर भी अपन हॉर्न मिल जाते हैं। तो बाकी सैड तो दिखा चाहना। तो लाइटा ने बहुत सोहनी दिख में लाइटा लाई गई ने। तो गेयर की गल करिए ये गेयर लग्या होया 3+1 4 वाला गेयर है जी, 3 फॉरवर्ड 1 रिवर्स। बाकी हिस्सा जोड़ा पूरा हैवी हिस्सा लाया गया ये अगे, ठीक है, ऑयल में कम करता सारा। तो बाकी बलोर मिल जाता ड्रायर वीर धूड़ मिट्टी से बचाने वास्ते। SC9500 हारवेस्टर कंबाइन है जी ये, तो तुम देख सकते हो। तो जी उत्ते छत है कंबाइन की वह फाइबर की आ, ठीक है। आप होर देखते लोहे की होंगी, वह फाइबर की लाई गई है। यदा बेनीफिट यह भी किसी तरह बिजली तार वगैरह ना लगे। तो बाकी जी सीढ़ी आ ये सारी उपर न एडजस्टेबल आ, उपर कट्ठी हो जाती है। तो बाकी सू उपर दिखा कि लग रही है। तो लो जी दोस्तों आप उपर आ गए। सीढ़ी देख सकते हो बल्ली जी लगी हुई है, फाइबर की लगी हुई है बहुत सोहनी है। बाकी टैंकी है दाने वाली वो सारी कवर की गई है, ठीक है जी। तो बाकी स्टेयरिंग है जोड़ा वह रजिस्टेबल है, ठीक है जी, देख सकते हो। बाकी पासिंग वाला सिस्टम लिया हुआ लवे लगता गया, गेयर ने सारे गेयर लवे मिलने। बाकी हाई लो वाला रेस वाला, ठीक है जी, रील का कटर का तो स्पीड आप हाई लो स्पीड हाई तो हाई कर सकते, लो तो लो भी कर सकते। आप तोरे के हिसाब ना आप कि हारवेस्ट कंबाइन चला चाहते हैं उस हिसाब न चला सकते हैं। बाकी ओरियो मशीन कंबाइन बंद हो जानी है तो उरों अलग तो चल पैनी है, और चाबी दी गई है, हैल्पर वास्ते सीट दी गई है, बड़े शीशे लाए हुए ने, ठीक है। तो बहुत वधिया साउंड सिस्टम लग्या है, ये साउंड सिस्टम है जो बहुत सोहना लाया गया। ये बाकी फायर का लग्या होया जी, उगर का कटर का फास्कट का फ्लैट का मिल जाता जी, फ्लैट का मिल जाता जी, सारी कमाई रोक लेंगे। तो बास्केट मिल जाता जी, कटर है कटर घुमाने वास्ते आ, तो उगर न दाने छड़न वास्ते। बाकी टूल मिल जाता जी नीचे, तुम देख सकते हो टूल किट वगैरह रख सकते हैं आप। बाकी वाटर केन वास्ते दिता गया है उपर जाण नूं, देखो कई बार मैं होर पैंदा वीडियो बनाई आ, कई बार उपर जाण नूं जगह नहीं होंदी, पर इन्हां वल्लों स्पैशल उपर जाण वास्ते दित्ता गया साइड ते भी आराम नाल बंदा थोड़ी इन्नी उच्चा नहीं गा पर नवां ही आ उत्ते हत्थ पाउण नूं दित्ता गया। ये दोस्तों छोटी छोटी गल्लां बहुत बड़ियां होंदियां ने, क्योंकि यही चीज़ां होंदियां ने। देखो पैर रख्या मैंने तो उपर चढ़ गया, तो आप कटर भी सैट कर सकते हैं, लाइट भी देख सकते हैं, ठीक है, सब कुछ मतलब कोई चीज़ ही सैटिंग करनी कर सकते हैं। आप उरे तक जा सकते हैं इंजन के इधर, तो टैंकी साइड पर रहेगी, ठीक है जी। बाकी उपर लाइट दिती गई आ इंजन वास्ते, तो इंजन जो खुला डुला जी इंजन लाया गया दोवें पासे, ठीक है जी। पेटी बंद इंजन है अशोक लेलैंड का 101 HP का। तो बाकी तुम देख सकते हो जो आप स्टाफ वाकर का कम करना हो चढ़ के आप स्टाफ वाकर का कम कर सकते हैं। तो आटो रेडिएटर लग्या हुआ जी ये। तो बाकी सो मैं उधर दिखा किमें लग रही है वीडियो दोस्तों, शुरू तो लैके एंड तक देखियो वेखने वाली है सारी। तो बाकी आ देखो आ पैर दिता गया,
इन दब्बे तो दोस्तों पौड़ी नीचे चली जानी आ, ठीक है, उपर कट्ठी उपर कट्ठी हो जानी है, तो थोड़ी जगह च लंघ जाना पौड़ हार्वेस्टर कमैन ने, तो पैर दब के ही यह चले जानी आ। बाकी लाइट दिती गई आ किवें काम करती आ, आप सो नीचे आके दिखाने कि लग रही आ। देखो पौड़ी से चढ़ने वास्ते भी वधिया है, दोए पास लाए गए ने, तो मैं तुम दिखा कि लग रही है। लो जी चेंजर है दोस्तों, तुम चेंजर देख सकते हो, जीरो बैलेंस वाला चेंजर है, पूरा वधिया कढ़िया होया, ठीक है, एडजस्टेबल कर सकते हो चेंजर नू, वधिया जैक लग गया होया पूरा हैवी ड्यूटी ये। बाकी इन्हां दे बैल्टां जिहड़ियां तुसीं उह वी नोट कर सकते हो, बैल्टां दित्तियां गईयां ने, आ वी दस्सिया गया वी किहड़ी बैल्ट कित्थे पऊगी, किन्ने नंबर दी बैल्ट पऊगी। तो बाकी बैंटरी आ जिहड़ी अमराउन दी बैंटरी पाई गई आ, पूरी स्टैंडर्ड दी बैंटरी आ अमराउन दी, उह लाई गई आ, उह वी पूरा वधिया कवर कीती गई आ। तो जिहड़ी आ गई इन्हां दी आर्म आ गई दोस्तों, आर्म की गल करिए तां इह कंपनी वल्लों तैयार करवाई गई आ। देखो इन्हां दा अपना लोगो लग्गा है पनेसर दा आर्म ते, कई कई आर्म होंदियां जो कंपनी स्कीड चो तैयार करदे आ, स्कीड चो तैयार करके लट्ठे चो उह ला दिंदे आ, पर इह स्पैशल ही तैयार करवाई हुई आर्म आ, वी इह कितें तां टुटदी नहीं हैगी, लाइफ जिहड़ी काफ़ी ज़्यादा रहिंदी आ। बाकी रबड़ां ने सारियां बड़ियां पईयां होईयां ने इहदे विच, ते बाकी बैरिंग असैम्बली जी सारी 7 नंबर की आ, फैन की तुसीं देख सकते हो जिन्हें भी बैरिंग पाए हुए 7 नंबर दे ने। बाकी सानूं होर दिखाउणा चाहुंदा मैं, बाकी बैक साइड हूटर लग्या होया, तो टूल बॉक्स मिल जाता काफ़ी बड़ा आपां नूं इहदे विच जी, ठीक है जी। तो बाकी टायर टायर तुहानूं मैं अगे दिखाउणा चाहुंदा, टायर ने और जस्ट 18-4-30 दे टायर ने, ये विराट का टायर पिया होया, तो कहे कस्टमर की चॉइस है जी, वो कि कंपनी का टायर पाना चाहता पवा सकता टायर, वो कस्टमर की चॉइस है। तो बाकी बैकसाइड हिस्से की गल करिए हिस्सा जड़ा वो तुसी देख सकते हो, पूरा वधिया हिस्सा लाया गया है। लो जी दोस्तों ये 5 स्टाफ वाकर वाली हार्वेस्टर कंबाइन है जी, ये तुसी देख सकते हो वधिया केम सावट लगी हुई आ, वधिया लकड़ के गुटके ला के पत्तियां ला के पूरे पक्का काम किया गया है, तो किसी पिछे मजबूती लिए पैप लाया गया पूरा हैवी ड्यूटी, तो सीफ है जी वधिया सीफ लाई गई आ, तो किसी तरह दाने ना बाहर मारे तो पटा लगे हुआ और भी किसी तरह कमैन पारे दाने ना मरे तो पटा लाया गया। तो बाकी सो मैं कटर दिखाना चाहना, तुम कटर देख सकते हो पूरा वधिया कटर है जी, तो कटर के चक्कर वध घट करने हो बैल्ट की जी सैटिंग कर सकते आप, तुम देख सकते हो मैं उधर दिखा कि लग रहा पनेसर ये है दोस्तों, पनेसर वाले की हार्वेस्टर कंबाइन SC9500 टैन है जी, वो भी काफ़ी लंबी टैन लाई गई, ये 11 इंची टैन है, तो काफ़ी मोटी आ, 6 mm की टैन आ, तो 5 रील पैप लाए गए ने, तो जोड़े पल्ले ने सारे कवर किए गए ने। तो दोस्तों मोटर वाला कटर है जी, किसी तरह बलेड टुटने की दिक्कत जी बिल्कुल नहीं आऊगी, तुसी पिछों देख सकते हो पनेसर SC9500 बहुत ही सोहनी हार्वेस्टर कंबाइन तैयार की गई है। तो बाकी एलीवेटर ने जोड़े वो भी वधिया एलीवेटर लाए गए ने, ETK दे बैरिंग लगे हुए ने, सारे बैरिंग ने 7 नंबर की असैम्बली आ, ठीक है जी, तो सारी जी सीट लगी गई नीचे, सारी SS स्टील की सीट लगी गई है, ये लाइफ जी काफ़ी ज़्यादा होंगी आ। बाकी एयर टैंक मिल जाता है ड्राइवर वीर अपनी हार्वेस्टर कंबाइन साफ करने वास्ते जी, ठीक है, तो आर्मा दोनों पासे ही कंपनी लाई हुई पनेसर दी अपनिया, ठीक है जी। बाकी पखे के चक्कर घट वध करने हो भी कर सकते हैं, देखो अगे आप वधा सकते हैं, इधर होर घट करने होर घट कर सकते हैं, वधा घटा सकते हैं वधा सकते हैं, ठीक है जी। बाकी जिन्नियां पुलियां पईयां ने सारे बुश वाले पुलियां ने, जे अपने चक्कर अपने हिसाब नाल करने होण, ठीक है जी, तो उरों पुली बदल सकते हैं, बुश वाले पुलियां पईयां ने सारियां। तो दोस्तों तुसी देख सकते हो क्या पनेसर क्रॉप टाइगर नाम रखा गया जी, यदा पनेसर SC9500 क्रॉप टाइगर। तो लो जी दोस्तों ये पनेसर SC9500 हार्वेस्टर कंबाइन। दोस्तों जे तुसी भी पनेसर वाले की SC9500 हार्वेस्टर कंबाइन लेना चाहते हो तो इन्हां दे कॉन्टैक्ट नंबर जो तुहानू वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, तुम इन्हां नाल संपर्क करके पनेसर SC9500 हार्वेस्टर कंबाइन ले सकते हो। तो किसान वीरो वीडियो किमें लगी जरूर दस्यो, तो नवी आ रही मशीनों की जानकारी लिए विश्वकर्मा दड़बा यूट्यूब चैनल में जरूर सबसक्राइब करना जी, धन्यवाद जी।